ब्रह्मचर्य के पालन में मूल बंध कार्य करता है या ब्रह्मचर्य के पालन में मूल बंध से मदद मिल सकती है, तो आज हम मूल बंध के बारे में सीखेंगे और यह जानेंगे कि क्या मूल बंध से हमें ब्रह्मचर्य के पालन में सहायता मिल सकती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मूल बंध को कैसे लगाया जाता है। तो मूल बंध लगाने के लिए आप किसी भी आसन में बैठ जाएं, अपनी राइट हील को सीधे पैर की एड़ी को अपनी सीवनी नाड़ी पर लगाते हुए इस प्रकार प्रेशर डालते हुए आगे की ओर हल्का सा झुककर बैठे, कमर को सीधा रखें, दोनों हाथों को अपने घुटने पर रखें। अब कंप्लीट एक्सहेल करेंगे, पहले लंबा गहरा श्वास भरें और पूरा श्वास बाहर छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर खींचें और अपने एनस रीजन को ऊपर की ओर कॉन्टेक्ट करें, ऊपर की ओर खींचे मूल भाग को और होल्ड रखें यथासंभव। दोनों हाथों का प्रेशर आप नी पर बनाएंगे और खींच के रखेंगे। यू कैन पॉसिबल होल्ड रखें, जब तक रोका जाए तब तक रोकें। जब आपसे ना रोका जाए तब धीरे से मूल बंध को छोड़ा, श्वास को भीतर भरा और फिर रिलैक्स किया। अब आपको पता कैसे लगेगा कि मूल बंध आपका सही लगा है कि नहीं लगा है? जब आपके शरीर में कंपन उत्पन्न हो रही हो, ठीक है, कांपने लगेगा शरीर, चेहरे पर पसीना आ जाएगा, सबसे पहले फेस पर पसीना आ जाएगा, तो ये लक्षण है कुछ मूल बंध सही लगने के। और धीरे धीरे आप देखेंगे जब आप पहली बार मूल बंध का उपयोग करेंगे ये तो 5-6 सेकंड ही रोक पाएंगे, उसके बाद वो ढीला होने लगेगा। फिर से टाइट करें, फिर ढीला होने लगेगा, फिर से टाइट करें, फिर ढीला होने लगेगा। जब आप बार बार उसको बांधना शुरू करेंगे, रोकना शुरू करेंगे, तो वह खुद ही बंधना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार आप धीरे धीरे जब अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे तो मूल बंध भी आपका सधने लगेगा। जब मूल बंध सधने लगता है तो पेल्विस रीजन से रिलेटेड समस्याएं, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। अगर किसी को हमारे पेल्विस रीजन से कोई प्रॉब्लम है, स्प्लीन की, किडनी की या किसी भी अन्य समस्या से रिलेटेड है, जैसे कि पाइल्स की प्रॉब्लम, फिशर या अन्य कोई, तो ये सभी समस्याएं उससे खत्म होने लगती हैं। मगर इसके साथ एक छोटी सी दिक्कत और है कि आप सही से फ्रेश नहीं हो पाएंगे। जब आप एक लंबे अभ्यासी हो जाते हैं तब आपको एनीमा या वस्ती क्रिया करने की आवश्यकता पड़ती है फ्रेश होने के लिए। तो आप इसका भी ध्यान रखें और धीरे धीरे इसके अभ्यास को बढ़ाते जाएं। जब आप इसका अभ्यास पूर्ण कर लेते हैं, मूल बंध को सिद्ध कर लेते हैं, तो इसी के साथ साथ आपका ब्रह्मचर्य का पालन भी पक्का हो जाता है। क्योंकि जब हम मूल बंध लगाते हैं तो हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन हमारे मूलाधार चक्र पर होना चाहिए। इसके अलावा आपका मूलाधार और आप, इसके बीच में तीसरा किसी भी प्रकार का थॉट्स ना आए, कोई भी चीज आपको परेशान ना करे, तो इस प्रकार आप मूल बंध का उपयोग करके ब्रह्मचर्य के पालन को पक्का कर सकते हैं। तो आज का हमारा अभ्यास बस इतना ही था, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।